कभी दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात रांची टाटा रोड पर अब तेज गति से गाड़ियां दौड़ रही हैं। उम्मीद है कि अगले मार्च तक सरकार को फोरलेन सड़क हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं चिकनी चुपड़ी सड़क बनने से वाहनों के चालक अब राहत महसूस कर रहे हैं। ये वही रांची टाटा रोड है जो कभी दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सड़क हो गई है। चिकनी चुपड़ी सड़कों पर तेजी से वाहन निकल जाते हैं। तैमारा घाटी हादसों का अड्डा बन चुका था। पहले टू लेन रोड होने के कारण रांची से टाटा जाने में लगभग 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब फोर लेन होने से मात्र 2 घंटे में सफर तय हो जाता है। वाहन चालक खुश हैं कि उनका समय तो बच ही रहा है, तेल की भी बचत हो रही है। वहीं रांची टाटा फोर लेन रोड पर दुर्घटनाओं की संख्या में भी काफी कमी आई है। लोग इस रोड पर पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले तो हम लोग को काफी लेट होता था रांची टू टाटा पहुँचने में। रोड भी काफी खराब हुआ करता था, जिसके कारण की गाड़ी उतना स्पीड हम लोग चला नहीं सकते थे। और अब है कि फोर लेन बनने के बाद बहुत ही बढ़िया रास्ता हो गया है, मक्खन जैसा। हम लोग आराम से आना जाना करते हैं, काफ़ी स्पीड में स्पीड भी गाड़ियां चलती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हादसे होते हैं। हादसा यहाँ पे नहीं होता क्योंकि रोड काफ़ी बढ़िया है। इससे पहले था कि रोड गड्ढा था, अब एक गड्ढा बचाने के लिए दूसरा गाड़ी से लड़ जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, तो अब वैसा नहीं। अभी रोड बहुत बढ़िया सुंदर हो गया है। जमशेदपुर जाने के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत होता है अभी के टाइम पे, और पानी के निकास के लिए भी दिया हुआ है इधर। रांची टाटा फोरलेन का निर्माण कार्य 4 फेज में किया जा रहा है। दूसरे फेज का ठेका लेने वाली कंपनी भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड के साइड इंचार्ज सुबोध शर्मा ने बताया कि तैमारा घाटी और कई अन्य जगहों पर पहाड़ था। पहाड़ को काटकर फोरलेन रोड बनाना NHAI के लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन उनकी कंपनी ने फोरलेन रोड निर्माण कार्य तेजी से आरंभ किया। पहाड़ों को काटकर रोड निकालने का काम मात्र 3 से 4 माह में पूरा कर लिया गया है। तैमारा घाटी में रात के अंधेरे में अब सड़कें रोशनी से जगमगा उठती हैं। सुबोध शर्मा ने बताया कि अगले मार्च तक कंपनी फोरलेन रांची टाटा रोड सरकार को हैंडओवर कर देगी। हमारा जो कंपनी है और हम लोग जो है बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट देने जा रहे हैं। मार्च में हम लोग हैंडओवर कर देंगे, ऐसा टारगेट है। हम लोग का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एरिया था जो 77 किलोमीटर था, उसमें कुछ जगह तो ऐसा था जहां पे बहुत कुछ पहाड़ था, खास करके तैमारा घाटी जो सरकार के लिए चैलेंज बनी हुई थी, और एक जगह है जो 149 किलोमीटर पोस्ट में पड़ता है, एक और जगह है जो 158 किलोमीटर पोस्ट में पड़ता है। तो ये सब जगह जो है बहुत जल्दी हम लोग टेकअप करके खत्म किया। रांची टाटा रोड निर्माण कार्य अभी तक काफी चर्चित भी रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे और मामला कोर्ट में भी गया। अब ये फोर लेन सड़क बनकर तैयार है और उम्मीद है कि निर्माण कार्य ठोस हुआ होगा। इसके बन जाने से एक तरफ आम लोग ही नहीं, सरकार भी राहत की सांस ले रही होगी। सबरंग समाचार के लिए बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट।